हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें केस वन सबसे पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तीन इक्वेशंस आपको गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी राइट द गिवन सिस्टम एज ए एक्स इक्वल्स टू ओ। तो यहाँ पर हमने इसको ओ मैट्रिक्स लिया है, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टेंट पार्ट हैं वो जीरो हैं। तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स हो गई, ये एक्स मैट्रिक्स हो गई, ये ओ मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद आपने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में रख लेंगे मैट्रिक्स को, देन प्लस माइनस प्लस साइन असाइन करेंगे। साइन असाइन करने के बाद एक्सपैंड करेंगे रो वन के लिए। एक्सपैंड करके हमारे पास वैल्यूज आई हैं, 20 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 40 हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया, 40। तो डिटर्मिनेंट आया 40। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। लेकिन हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, जब भी होमोजीनियस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो आपने उसको बाय नोन रिजल्ट उसका जो एक्स मैट्रिक्स है उसको जीरो कर देना है। दैट मीन्स कि जो एक्स मैट्रिक्स के वेरिएबल्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, और नीचे आप लिख देंगे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ऐसे ये केस वन आपने करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना ज़रूरी है कि क्या क्या रिजल्ट्स होंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी का, जिसमें हम केस टू देखेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, जिसमें आपको इक्वेशंस गिवन है। इसके बाद आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, तो यहाँ पर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। देन आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए असाइन असाइन कर देंगे रो वन में, प्लस माइनस प्लस, देन एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आई, -20 -24 +44। माइनस माइनस प्लस होगा, तो वैल्यू आई -44 +44। सॉल्व होके जीरो आया। तो जब भी डिटर्मिनेंट जीरो आया आपका, तो इसका मतलब कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस टू है, जिसमें आपका डिटर्मिनेंट जीरो आने पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन आपने कैसे करना है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, तो उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमेशा वेरिएबल के टर्म्स में होगा। देखते हैं कैसे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्योंकि तीन इक्वेशन के लिए तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम इसमें दो इक्वेशंस लेंगे, कोई भी दो इक्वेशन आप ले सकते हैं उन तीन इक्वेशन में से, या फर्स्ट टू ले लीजिए, या लास्ट टू ले लीजिए, या फर्स्ट एंड लास्ट ले लीजिए। तो अभी जो इक्वेशन मैंने लिए वो फर्स्ट टू इक्वेशंस लिए है। इस इक्वेशन को, इसके किसी भी एक वैल्यू को आप राइट साइड लेके जाएंगे। मान लीजिए मैं 2z को लेके जा रही हूँ, तो ये -2z हो गया। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी -z यहाँ जाके +z हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हो गई। इस दो इक्वेशन के लिए अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे। वेरिएबल को राइट साइड लेके गए z वाले, तो इस मैट्रिक्स को, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं। री राइट देम इन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म। ए इक्वल्स टू वही वेरिएबल एक्स वाई के लिए जो कोएफिशिएंट पार्ट होगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर बी, हम बी मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो ये -2z और जेड होगा। फ्रेंड्स, बी जो होती है, जो राइट साइड वाली वैल्यूज होती है, उनको हम पूरा ही लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जेड के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं, नहीं, राइट साइड वाली मैट्रिक्स के लिए हम पूरा ही उतार लेंगे जो वैल्यूज हैं। देन x के लिए एक्स वाई, क्योंकि लेफ्ट साइड सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट आया इक्वल्स टू 11। डिटर्मिनेंट आने के बाद वही आपने सेम लाइन लिखना है, सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज इन्वर्टिबल। देन कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके आपका एडजॉइंट आया, ये एडजॉइंट ए, ये वैल्यूज आई है, और ए इनवर्स की वैल्यू आई है। ये ए इनवर्स हमारा क्या होता है, 1/ डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ए। तो ये हमने वैल्यूज निकाली है ए इनवर्स की और एडजॉइंट ए की।
फ्रेंड्स, इसके बाद आपने वही मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड क्या है? x इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी। ए इनवर्स हमने निकाल लिया है, हमने दो इक्वेशन लेकर ए इनवर्स फाइंड आउट किया, तो उसको पुट करते हैं। पूरा ये ए इनवर्स है, देन डॉट में बी, बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, मतलब जो ये है मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देन इंटू करते हैं थ्री की, इंटू करेंगे माइनस टू जेड से। आगे एक और एलिमेंट है, तो रो की कॉलम से हो रही है पूरी, तो वन की इंटू होगी जेड से। देन ऐसे ही अब इसने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसकी टर्न है, तो ये वैल्यूज आई हमारी माइनस सिक्स जेड प्लस जेड, टेन जेड प्लस में टू जेड। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई माइनस फाइव जेड एंड ट्वेल्व जेड। तो फ्रेंड्स, हमारे पास वैल्यू आई है माइनस फाइव जेड और ट्वेल्व जेड। अब इस स्केलर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू के साथ, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई माइनस फाइव जेड बाय इलेवन एंड y की वैल्यू हो गई ट्वेल्व जेड बाय इलेवन। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपका जो ये सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, ये हमेशा वेरिएबल के टर्म्स में होगा। हेंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये आप लिख लेंगे। तो ऐसे आपने ये सॉल्यूशन करना है केस वन और केस टू के लिए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नॉन होमोजीनियस का केसेस देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।